दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। खबर 24 न्यूज पर हम आपको महान व्यक्तित्व और महान व्यक्तित्व के धनी लोगों की जन्म जयंती और पुण्यतिथि के बारे में लगातार बता रहे हैं। सपने वे नहीं होते जो आपको रात में सोते समय नींद में आए, बल्कि सपने तो वे होते हैं जो रात में आपको सोने ही न दे। ये पंक्तियां लिखी थी APJ अब्दुल कलाम जी ने और आज उन्हीं की पुण्यतिथि पूरा देश मना रहा है। ऐसी बुलंद सोच रखने वाले मिसाइल मैन अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं। डॉक्टर कलाम साहब को साइंस की दुनिया में मिसाइल मैन का नाम मिला था, तो राजनीतिक गलियारों में उनकी पहचान पीपल्स प्रेसिडेंट्स के तौर पर बनी। कलाम साहब की पूरी जिंदगी किसी ऊर्जा के समान है, जिन्होंने अखबार बेचने से लेकर भारत के पहले नागरिक बनने तक का सफर तय किया। बच्चों के लिए अंकल कलाम तो बड़ों के लिए कलाम साहब APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोटी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा है। कलाम साहब हमेशा सीखने की कला को महत्व देते थे। वह बचपन में अखबार बेचते थे क्योंकि उनके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और न ही उनके पिता जैनुलाब्दीन ज्यादा पढ़े लिखे थे। कलाम साहब 5 भाई बहन थे। APJ अब्दुल कलाम की प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो कलाम साहब ने 5 साल की उम्र में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने रामेश्वरम से शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। कलाम साहब को उड़ना पसंद था, जैसे खुले आसमान में चिड़िया उड़ती है, और उड़ते हुए चिड़िया को देखकर ही कलाम साहब ने तय किया कि उन्हें विमान विज्ञान के क्षेत्र में जाना है। उनकी चाहत पायलट बनना थी, लेकिन ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही रच रखा था। आपको बताते हैं कि इसरो में कलाम साहब की एंट्री कैसे हुई। तो APJ अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विज्ञान संस्थान में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। इसके बाद वह 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आए। इसरो में कलाम साहब ने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। APJ अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन कैसे पड़ा, उनको मिसाइल मैन कैसे कहा जाने लगा, यह भी आपको बताएं। इसरो में APJ अब्दुल कलाम ने परियोजना निदेशक के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस यान से भारत ने रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन के नाम से बुलाया जाने लगा। इसके बाद कलाम साहब ने देश को कई सारे मिसाइल भी दिए। पोखरण से भारत ने दुनिया को दिया था संदेश। APJ अब्दुल कलाम जुलाई 1992 में भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार बने। कलाम साहब के नेतृत्व में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और इससे पूरी दुनिया को महाशक्ति बनने का एहसास दिलाया। इस मिशन में कलाम साहब ने अभूतपूर्व योगदान दिया था। कलाम साहब का राजनीतिक सफर कहां से शुरू हुआ, यह भी आपको बताते चले। APJ अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम साहब के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया और इसी के बदौलत उन्हें जनता के राष्ट्रपति की उपाधि मिली। कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए। ऐसे कई किस्से हैं जब राष्ट्रपति भवन में उनके साथ कोई आम इंसान या किसान खाना खा रहे होते तो कभी पुलिस वालों से वे बात कर रहे होते। कलाम साहब 2007 तक राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद APJ अब्दुल कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में काम किया। उन्होंने लोगों के बीच रहना पसंद किया। वह हमेशा देश के नागरिकों से मिलते थे। कलाम साहब ने कई पुस्तकें लिखी हैं। उनकी पुस्तकें लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। कलाम साहब का सपना 2020 तक भारत को शक्तिशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना था। कलाम साहब के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्हें भारत सहित दुनिया भर के देशों ने कई पुरस्कारों से नवाजा भी है।
भारत सरकार ने उन्हें 1997 में भारत रत्न, 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ब्रिटेन द्वारा उनको सम्मानित किया गया। ऐसे भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक और जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को शिलांग के आईएएम में एक व्याख्यान देने के दौरान गिरने के बाद निधन हो गया। इस तरह 27 जुलाई यानी कि आज ही के दिन कलाम साहब ने 84 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था। भारत के ऐसे महान वैज्ञानिक जिनका नाम सुनते ही सर फक्र से ऊंचा हो जाता है, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आज 27 जुलाई 2024 को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए खबर 24 न्यूज शत शत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनका भारत के विकास और समृद्धि में दिया गया योगदान भारत के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। हमारी आज की रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।